इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है, जिसका पेपर जो है आज ही हेल्ड किया गया था 19 फरवरी को, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एनर्शिया, ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी केजी, ऑप्शन सी एमएल स्क्वायर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एमएल स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म जो होता है उसका डायमेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए है एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, ऑप्शन बी एम एल टी माइनस वन, एम एल माइनस वन, टी माइनस वन, ऑप्शन सी है एम एल और टू, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो, इसमें ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर क्वांटिटी हैज, ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड ओनली, ऑप्शन बी डायरेक्शन ओनली, ऑप्शन सी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसमें ऑप्शन सी जो होता है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिनीशन ऑफ फोर्स कम्स आउट फ्रॉम, ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन डी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज, यानी कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए फोर्स एक्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मास मल्टीप, ये एक्स नहीं है मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाइड फोर्स, ऑप्शन सी मास मल्टीप्लीकेशन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फोर्स मल्टीप्लाइड विद ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये जो है इंपल्स का फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट रिलेशन, ऑप्शन ए वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई आर, बी ऑप्शन है डब्ल्यू इक्वल्स टू वी बाई आर, ऑप्शन सी है आर इक्वल टू वी इंटू डब्ल्यू, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ देम। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू वी अपॉन आर, ये करेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है When a body moves on circular path, the value of centrifugal acceleration is, यानी कि जब कोई एक बॉडी जो है मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन ए है ए इक्वस टू वी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन बी है ए इक्वस टू वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ आर, ऑप्शन सी है ए इक्वस टू
आर बाई वी स्क्वायर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ए इक्व टू वी स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए सर्किल रीचेस द सेम पॉइंट देन वर्क डन इज। ठीक है, यहां पर देन होगा, देम नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए है मैक्सिमम, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुब्रिकेंट, ऑप्शन ए इंक्रीज द फ्रिक्शन, ऑप्शन बी डिक्रीज द फ्रिक्शन, ऑप्शन सी नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीजेस द फ्रिक्शन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कि लुब्रिकेंट का हमेशा जो होता है काम ये होता है कि वो फ्रिक्शन को जो होता है डिक्रीज करता है। ठीक है, इसलिए लुब्रिकेशन वगैरह हम करते हैं मशीन से वगैरह में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, यानी कि लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि लुब्रिकेंट लगाने से स्मूथनेस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ पावर इज, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ऑप्शन बी पावर इक्वल्स टू वर्क डन इनटू टाइम, ऑप्शन सी पावर इक्वल्स टू वर्क डन इनटू एनर्जी, ऑप्शन डी पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू एनर्जी। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज, यानी कि एक बॉडी के जो मास है वो एम से इंडिकेट किया गया है और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से। ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है वेलोसिटी, बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2mv2, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2m, ऑप्शन सी है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2mv2, ऑप्शन डी है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m2/2v। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है 1/2mv2, जहां पे m जो है ये शो कर रहा है मास कोई भी बॉडी का। ठीक है, और जो v है ये शो कर रहा है आपका वेलोसिटी। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2mv2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ऑप्शन ए वेरिएबल, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ आर ट्रू, ऑप्शन डी नाइदर ए और नॉर बी इज ट्रू। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि इन ऑप्शंस ऑफ एक्सटर्नल कॉजेस कॉज जो टोटल एनर्जी जो होता है सिस्टम का वो हमारा कांस्टेंट रहता है, तो इसमें ऑप्शन बी जो होता है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क इज व्हेन पी इक्वल्स टू पी जो है मोमेंटम को शो कर रहा है और एफ जो है फोर्स को शो कर रहा है, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है क्या होगा। ऑप्शन ए है टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस एफ, या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टॉर्क इक्वल्स टू ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ।
ये आर क्रॉस एफ हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज। ऑप्शन ए 1/2 एम आर स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 mr², ऑप्शन सी mr², ऑप्शन डी 2/5 mr². ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 mr². नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीजेस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्री रिवॉल्विंग सिस्टम। ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेंस द सेम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि डिक्रीजेस। मीन्स इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीजेस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्री रिवॉल्विंग सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेन इज, ऑप्शन ए चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ऑप्शन बी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो जो स्ट्रेन जो होता है ये होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये भी सही है, और चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा, ए एंड बी बोथ। प्रेशर इज, ऑप्शन ए फोर्स इनटू एरिया, ऑप्शन बी एरिया अपॉन फोर्स, ऑप्शन सी फोर्स अपॉन एरिया, या ऑप्शन डी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो प्रेशर होता है इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर, ऑप्शन ए मर्करी, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी के ऑयल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंडक्शन हीट ट्रांसमिटेड बाय द प्रोसेस, ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, ऑप्शन बी पार्टिकल रिमेंस द सेम प्लेस एंड हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड, ऑप्शन सी नीड्स नो मीडिया टू प्रोपेगेट इट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्टिकल रिमेंस द सेम प्लेस एंड हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर फॉर, ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी वाटर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाटर। तो ये जो है आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आउट ऑफ 20 जो है कितने जो है सही हुए हैं। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.